क्या बेटा क्या बना रखा है ये? जोर से बोलो, बना रखा है ये? फ्लावर है। कहाँ का बनाया ये? सर ये हमने गुलाब बनाया। नहीं नहीं, मटेरियल क्या यूज किया? मटेरियल कपड़ा क्या है ये, मतलब बताओ सर को भी, एक्सप्लेन करो क्या, किस चीज से बनाया आपने? एक्सप्लेन किया करो ना कि क्या मटेरियल यूज किया, कैसे बनाया। एक चीज मैं सर बताना चाहूंगी, जैसे कविता मैम कह रही थी कि बच्चियां सिक्स में आती है तो बिल्कुल घबराई हुई होती है, वाकई में होती है सर। कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहाँ पर इंटर कॉलेज बहुत दुरुस्त क्षेत्र में होता था, तो बच्चियां पढ़ती भी नहीं थी वहाँ से, फिफ्थ के बाद वो बच्चियाँ छोड़ देती थी। तो जैसे सर ये KGV भी खुला है, उसके बाद रंगसा खुला है, तो अब हमारी बच्चियों को ये यहाँ जो क्षेत्र में ये बच्चियाँ जो नाम कमा रही हैं, तो सबसे बड़ी बदलाव तो सर यही है कि ये हॉस्टल्स जो यहाँ खुले हैं हमारी बच्चियों के लिए, आगे जो अपना भविष्य बनाने के लिए इन लोगों को मौका मिल रहा है ये सब करने के लिए, इसके लिए विभाग को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कुछ उपलब्धियाँ बताना चाहूँगी अपनी बच्चियों की, जैसे सर रिजल्ट की बात हम करते हैं, 2018 मैं शिलान लोटिया वार्डन रमसा से, 2018 5 सितंबर को मैं यहाँ पर अपॉइंट हुई थी, इससे पहले मनु मैम भी यहाँ पर देख रही थी, तो मुझे अपॉइंट किया गया था रमसा के लिए। तो सर उसके बाद रिजल्ट के बाद में एक साल हमारा पूरा 100% रहता है, 90 से अब हमारी लड़कियाँ पास मार्क्स करती है, और ये कशिश सर इसने पिछले साल 10th में 94 कुछ इसने ब्लॉक से। साइंस की स्टूडेंट थे सर, साइंस में पहले लड़कियाँ बहुत डरती थी, नहीं कर पाती थी साइंस में, लेकिन अब धीरे धीरे हमने इनका मनोबल बढ़ाया कि साइंस इतना कठिन नहीं है, बहुत अच्छा सहयोग करती है पढ़ाने में, इनके डाउट वगैरह था। Thank you.
अपने घर जैसा माहौल मिलता है और खाने में पौष्टिक आहार भी मिलता है और हमारी विद्यालय के अलावा हमारी यहाँ भी क्लासेस चलती है। जो भी होमवर्क हमें विद्यालय से दिया जाता है हमें उसको उसमें कराने के लिए हमारे तीनों टीचर्स हमारी हेल्प कराते हैं। और पढ़ाई के अलावा हमारे यहाँ पे वोकेशनल कोर्स भी चलते हैं, जैसे सिलाई बुनाई कढ़ाई कराटे योगा सभी हमारा यहाँ पे होता है। और हमें यहाँ पे 3 साल पूरे होने जा रहे हैं और हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। वो तो हमें खुद महसूस होता है ना, हमें हमारे मतलब व्यवहार में बहुत चेंज आया है, हमारा रहन सहन का तरीका बहुत चेंज हुआ है। जब हम यहाँ पे पहली बार आए थे हमें तो बात करने की सर नॉलेज नहीं था, हमें उस टाइम हमको कुछ भी हम बहुत गवा रहे थे कुछ भी बोलने को सर, लेकिन हमें हमें यहाँ पे हमारे तीनों टीचर्स बहुत गाइड करते हैं और हमें यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जाता है। और शायद यदि हम अपने घर में होते तो साथी इतनी सारी सुविधाएं। और मैं एक बार अपने सभी स्टाफ के जी भी स्टाफ को धन्यवाद करना चाहती हूँ और साथ साथ शिक्षा विभाग का और बीआरसी सर का आभार प्रकट करना चाहूँगी, जिनकी ही कोशिशों से ही एक हॉस्टल आज की उन्हीं में है और जहाँ की हम गरीब लड़कियाँ रहती हैं और ये हमारे लिए एक वरदान जैसा है। यहाँ पे उपस्थित वार्डन मैम एंड ऑल स्टाफ एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है आज निरीक्षण के लिए एज अ गेस्ट बोलो या निरीक्षक बोलो आप यहाँ पे आए हैं तो हम आपका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे बीच में आए आपका इतना इम्पोर्टेंट आइटम हमें दिया, सो सर थैंक यू। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैं 9th से 12th तक आते आते मैंने यहाँ पे क्या क्या फील किया, क्या क्या सीखा। तो जब मैं 9th में आई थी सर तो घर पे इतना माहौल नहीं बन पाता है पढ़ाई का जितना हॉस्टल में बनता है। तो यहाँ के मैंने सीखा कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे सेल्फ स्टडी की जाती है, ग्रुप स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर आके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला ही साथ साथ मैम लोगों का सबका आशीर्वाद था। ये तो 10th में मैंने 90% पास किए। जब हम हॉस्टल में आने से पहले सर मुझे पता नहीं था कि सरकार बालिकाओं के लिए क्या क्या कर रही है, मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं था क्योंकि मैं विद्या मंदिर से पढ़ के आई तो वहाँ पे ज़्यादा भारतीय संस्कृति उसके बारे में बताया जाता है लेकिन अभी इतना बालिकाओं के बारे में कितनी नहीं बताया। जब मैं यहाँ पे आई थी और वहाँ पे बहुत सारे पूरे उत्तराखंड के बच्चे आए थे हर ब्लॉक से जिन्होंने काम किया था तो उनसे मिलने का मौका मिला, उनकी संस्कृति उनकी भाषा सीखने का मौका मिला। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए सीखने के लिए। पहले मुझे लगता था कि साइंस में ऐसा क्या रखा है, साइंस क्यों पढ़े, इतनी टफ होती है, क्या फ़ायदा है इसे पढ़ के। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला कि साइंस में तो इतने सारे क्षेत्र हैं जहाँ हम बहुत कुछ कर भी सकते हैं और इतने मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके बारे में इतना पता नहीं था। वहाँ पे करियर काउंसलिंग की भी बैठक की गई जो हमारे अपर निदेशक सर वो हमारे बीच आया करते थे, हम उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो इतने बड़े अधिकारी होकर भी हमारे बीच बैठा करते थे, हमसे हमें बताया करते थे कि बेटा ऐसे नहीं, यहाँ पे इतने करियर ग्रुप है, इतने सारे हैं, उन्होंने सब बताया था। जैसे एस्ट्रोनॉट हो गया, साइंटिस्ट हो गए, हर चीज़ के बारे में उन्होंने बताया। इंजीनियरिंग में जेई मेंस एडवांस क्लियर करना उन्होंने सबके बारे में बताया, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सर। एंड लास्ट में आपके बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ आए हमारे तब सर मुश्किल से ये भोजन माता पीछे बैठी हैं और मैंने किसी तरह किसी सिफारिश में किसी को बोल करके मैंने भोजन माता है कोई काम करने को राजी नहीं था सर। फिर इनको फिर एक ये सीमा है इनको दो लोगों को प्यार करा सर, मैंने आ जाओ देश के रूप में एक बार शुरू हो जाए
क्योंकि विभाग ये कह रहा था कि आप शून्य कर रहे हैं, इसको हम हटा रहे हैं, तो तब शुरू करा सर। आज सर ये जो है ऐसे महासुदेवता की कृपा से, आप सब लोगों का आशीर्वाद से आज यहाँ आने के लिए सर मंत्री लेवल विधायक लेवल से सिफारिश होती है। शुरू कर देते थे वहाँ पे और उनको लगता था क्या आ गई यहाँ पे सर। हम लोग कभी मिट्टी तेल स्टोव होता था तब हम लोग मोरी से आराकोट से हम लोगों ने लाया सर पहले, वो क्या कहते हैं मिट्टी तेल, मैंने किसी तरह हमारा चले। तो धीरे धीरे सर बढ़ते गया तो आज हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया सर। यहाँ पे आप देख रहे हैं उधर भी ऐसा ही है। और ये जो टीचर बैठे सर, एक मुझे ध्यान आया, आपने ग्रेडर की बात करी थी, सेव होता है यहाँ ग्रेडिंग, तो सर ग्रेडर जो होता है सर ग्रेडर में बहुत डिपेंड करता है सर, जैसा आपने बोला, क्योंकि हम लोग तो लगभग हमारी बागवानी भी हमारा पेशा है सर यहाँ के लोगों का। तो ग्रेडर जो पेटी हम ग्रेड करते हैं सर, ग्रेडर अगर अच्छा है तो अच्छा कितनी अच्छी क्वालिटी का सेब होगा, या क्वालिटी अच्छी भी नहीं है, अगर ग्रेडर बढ़िया है जो 1000 रुपये की बिकेगी, अगर ग्रेड बढ़िया करे तो सर वो पेटी 3 या 4 हज़ार की बिकेगी। अगर बेस्ट क्वालिटी भी, अगर ग्रेडर खराब हो गया, उसने खराब ग्रेड कर दिया, चाहे वो 5000 वाला बॉक्स बनना था, वो सर 1000 में भी नहीं बिकेगा, क्योंकि वो छोटा बड़ा साइज कैसे करना है, डैमेज क्या है कैसा है। लेकिन जो हमारी ग्रेडर है सर, ये बहुत अच्छी है सर, ये ऐसा काम कर रहे हैं सर। और सब सर कोई MSc जो टीचर्स लोग हैं, और ये 2-3 लोग MSc बैठे हैं सर, ये MA BEd लोग हैं, BEd बैठे हैं, ये अकाउंटिंग पी है, ये भोजन माता है, आप वो क्या कहते हैं MA सर, तो सब अच्छे अच्छे टीचर सर। और आज ये बच्चे जो है अलग ही सर झलकते हैं, जब ये कॉलेज जाते हैं बच्चे, जब ये जो है राष्ट्र में भी जाते हैं, तो इनका जो है एक अलग ही इनका अंदर एक वो रहता है यहाँ का। तो यहाँ वार्डन लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, इतने दूरस्थ में, और आप देखा होगा सर जहाँ भी जाए सबसे बेस्ट हमारा वो होगा सर ये हॉस्टल। तो सर ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच आज आए, और हमारे को इन बच्चों को सर जो आपका आशीर्वाद मिलेगा, शायद इससे सबको एक नई एनर्जी मिलेगी सर हम लोगों को। आपका पुनः सर धन्यवाद, आप लोग आए। और ये तो सोचा था ना कि 2007 में क्या था, मैं कभी KGPB पौड़ी गई KGPB में, तो मेरे को याद ध्यान रहा था कि उस समय आप लोगों को देख कर ध्यान रहा था मुझे कि KGPB 43 शहर वहाँ पे थैरी शहर में है, विकासखंड थैरी शहर में, तो वहाँ पे बालिकाएं जो है ना छोड़ के जाती थी KGPB को, शाम के टाइम पे उनको ढूंढना पड़ता था, फिर पता चला वो घर पहुँच गई है, पैदल जा रही हैं, तो गाड़ी बहुत उसमें गाड़ी भी नहीं थी। लेकिन आज देख रहा हूँ मैं, अभी हम कल गंगानी में थे वहाँ पे विकास खंड नौगांव में, वहाँ भी देखा मैंने, मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि बालिकाओं में इतना उत्साह है सर कि ये तो चाह रही कि मतलब जो है पूरे ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे 11 महीने नहीं बल्कि पूरे 12 महीने ही जो है KGPB में रहे हैं। बिल्कुल सर, छुट्टियों में भी जाना चाहते हैं, महसूस किया अभी मैंने आज यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ बालिकाओं को देखते हुए। और एक वक्त वो भी था जब KGPB शुरू हुआ था, KGPB कैसे खुला, KGPB जो है ये परियोजना जो पहले स्वच्छ अभियान चलता था उसके अंतर्गत KGPB खोलेंगे उन विकास देश के उन विकास खंडों में जहाँ पर जो है महिलाओं की लिटरेसी मान लो महिलाओं की साक्षरता देश की महिलाओं की साक्षरता से कम थी वहाँ खोलेंगे। तो उनमें तू ही आया होगा थैली साइड में था, ऐसे कई विकास खंड थे देश में अन्य जगह भी खुले गए उस समय KGPB किस प्रकार से खोला, पहले केवल 6-7 के लिए, बाद में रमसा आया, तो रमसा में जो है 9 से 12 के लिए फिर हो गया। तो अब हमको लग रहा है कि वाकई जो है ना जो उस समय जो परिकल्पना जिसने की होगी इस प्रकार की कि हम इस प्रकार से जो है बच्चों को मोटिवेट करें, उनको स्कूल लाएं, बच्चे स्कूल ना छोड़ें बालिकाओं के, ठीक है, तो कितनी अच्छी कल्पना थी, वो आज साकार हो रही है। आप लोगों को देख के लग रहा है कि वो जो जिसने भी कल्पना की होगी उस समय जब सबसे बैठ के अंतर्गत KGPB खोली गई होगी, तो वो कल्पना उसकी जो है आज कितनी, अगर वो जिसने भी अगर वो देख रहा होगा तो आप लोगों को देख के लगेगा उसको कि जो है वो जो है सफल हो गया। शर्मा जी शर्मा और शर्मा जी व्यासी और प्रधान मैडम और मैडम आपका नाम पर ही मुझे याद नहीं रहा है, सभी हमारी बहनें जो यहाँ पर टीचर हैं इंस्पेक्टर हैं भोजन माता बहनों और प्यारे बच्चों, सभी ने कहने के क्या पूर्ण है, और मैं तो मतलब खो गया हुई कैसे संसार में, प्रकृति से बड़ा प्रेम है, प्रकृति बच्चों से, बच्चे मन के सच्चे हर जगह के, और ये वो नन्हे फूल है जो भगवान करते
कभी नहीं बोलती कि आपका फिश ठीक है, आपकी गाली ठीक है, आपकी बंगला ठीक है, नहीं पूछे ना सब क्या बोलते हैं आपके बच्चे कैसे हैं, नहीं बोलते आपके बच्चे ठीक है, आप लोग ठीक हैं। तो सबसे जो भी है ना अन्य सबसे छोटी है और अन्य के साथ की और भी बच्चियाँ होंगी, वो एक जो बड़े बच्चे हो टाइप फोर वाले उनसे जो बात करते हैं समझ ज़्यादा, जैसे बेटी आई यहाँ पर कशीर आई तो उन्होंने जो बातें की उनसे बातों की जो गंभीरता थी ना ज़्यादा थी, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं वो उनके अंदर बाल सुलभ किया खेलना कूदना है चंचलता करनी है वो बहुत रुचि होती है प्रथम वही चीज़ होती है ना। और गुरु माँ ने अगर समझाया नहीं, गुरु ने पढ़ाया नहीं, फिर वही वाली बात की आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी चलिए अब 30 दिन है प्रेयर मम्मी मैं तुम्हारे साथ दिमाग से ना ऐसी ऐसी गुण लाने। तो शिक्षा क्या होगा, शिक्षा किताबों में नहीं, ये सूचना है केवल, ये तो आप प्राप्त करोगे, लेकिन जैसा आपने कहा शुरू जब हम टच करते किसी चीज़ को रड़ जाते क्यों चाहिए चीज तो धीरे धीरे क्या हुआ एक साथ चलने की प्रवृत्ति एक साथ खाने की है ना। इसके लिए इसलिए था कि आप लोग जो ड्रॉप आउट बॉयज लग गए थे उनके लिए स्कूल खुले, खुलने वाले जब पीछे बताया लड़कियाँ पहले चलिए आपकी घर होता है माँ बाप से दूर रखना बच्चे और वो सब श्रेय आप जाकर समझ देख रहे हैं। हमारे डी पी ओ साहब उन्होंने सबने आपने मिलकर टीम वर्क किया, सबसे मेहनत की, आज ये छोटा पौधा जैसे धान की रोपाई होता है किया जाए छोटी उसके बाद उसको ला के ट्रांसप्लांट करते हैं ना, और तब वो जब पौधा बड़ा होता है बालियाँ पड़ा गया बालियाँ पड़ गई और जब बासमती का जो खेत होता है ना उसकी खुशबू क्या होती है चारों तरफ फैल जाती है, जो जो वहाँ से गुजरता है नहीं होता है रात की रानी खुशबू जाती पौधा कोई लगाता है सबको उसकी खुशबू मिलती है, और वो जो बालियाँ होती झुक जाती हैं आपने देखो ना धान की बाली ना जब बालियाँ बनती हैं ना क्यों झुकती हूँ ग्रुप आ जाता है वजन आ जाता है। तो साथ साथ में जो है क्या हो आप छोटे छोटे पौधे थे आज क्या हो गए एक वृक्ष बन गया, तो जो फलों से लगे वृक्षियाँ होते हैं है ना, जब फल बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई मंदिर में चला गया और मंदिर से महत्वपूर्ण जगह है जितनी सफाइयाँ दी थी जितनी व्यवस्थाएँ दी थी और बच्चे इतने खुश और जितने आपकी चेयर की चमक बना रही है ना। तो जब गुड़ डालते हैं ना तो मीठा होता है, गुड़ गुड़ कहने से मुँह मीठा नहीं होता, गुड़ खाना पड़ता है ना। तो कह रहे पंडित बात बदलती झूठा खांड क्या वो हुई है खांड कहने से मुँह मीठा नहीं होता। आपने जो काम किया तभी दिख रहे हैं अतिरिक्त विश्वास नियुक्ति है आपकी जितनी तारीफ की जाए अन्य विद्यालयों से बहुत डिफरेंट काम है जी, 24 घंटे ड्यूटी है ना, बच्चे बीमार होते हैं तकलीफ होती है ना, तो कई तरीके घर से दूर रहते हैं उनको आप जो टाइम दे रहे हो ना हम वो नहीं कर सकते, हम मदद दे सकते हैं आ सकते हैं क्या घंटा एक घंटा चले छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के बापू मैं था दम वंदे मातरम बापू मैं था दम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे Thank you.
माने तू घरों की शानो बेटिया है तू बने बेगानी आऊ माई है ओ हो जलाती बाबा इजा के पेटुड़ा बहुत बढ़िया।
सर का उत्तरकाशी से लिख रही हूँ मैं सर के लिए कुछ बातें। प्रिंसिपल रहे हैं सर 2000 में जीआईसी चक्राता के। सिखाई है सर ने हमें कुछ प्यारी सी बातें, जिन बातों को सुनकर लगते हैं सर तो हमें अपने से। सर के लिए लिख रही हूँ मैं उत्तम परिचय। सर हमारे मेहमान नहीं, हमारे प्यारे से डायरेक्टर साहब कहलाए। सर गाते भी बड़ा ही प्यारा है, तभी तो निवास उत्तरकाशी का है।